राइट सो मेक श्योर जल्दी से फटाफट पड़ शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बुलाओ उनको आई एम कोमल यादव अनल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन प्लस एंड अनअकादमी नीट youtube पे हमारे सेशंस होते हैं बेटा ग्यारह बजे 3:30 एम, मंडे टू सैटरडे दिस इज फॉर youtube एंड प्लस पे हमारे सेशन जो कि अनअकादमी का पेड प्लेटफॉर्म है फाइव पी एम रेगुलरली एंड नाइन थर्टी पे होते हैं हमारे फ्री स्पेशल क्लासेज ना स्पेशल क्लासेज दैट आर एप्सोलूटली फ्री फॉर एवरीबडी ये होंगे ऐप के ऊपर ऐप का मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिलेगा लिंक पे क्लिक करो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल डायरेक्टली गो टू माई प्रोफाइल जिसमें आज साढ़े नौ बजे की क्लास है जिसमें यू कैन कम एंड क्लियर योर डाउट्स अबाउट हाउ आर वी गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट चार महीने का मैं बॉटनी का स्ट्राटेजी आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या कवर करेंगे और कैसे कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस और कैसे आप रिवाइज कर सकते हो उसके अलावा आपके जो क्वेरीज हैं दैट ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन द सेशन दिस इज ऑप फ्री मेक श्योर आज की क्लास के लिए आप एनरोल इसको कर दो बेटा ठीक है यहाँ पे लिंक में भेज दूंगी सारे ही क्लासेस का आई विल सेंड द लिंक और इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर भी आपको आज की क्लास के लिंक मिल जाएंगे ठीक है सो मेक श्योर योर देयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इफ यू यू लाइक लाइक माय माय सेशंस टीचिंग एंड यू वांट मेंटोरशिप गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू बॉटनी और ओवरऑल नीड का भी आपको गाइडेंस चाहिए सो आई विल बी देयर यूज कॉमन लाइफ कोड एंड यू विल गेट योर टेन ऑफ और मुझे बता देना एक बार कि मैम ऐसे ऐसे हमने लिया था सब्सक्रिप्शन आपसे बात करनी थी और ये, ये ये हमारा क्वेरी है सो वील सॉर्ट इट आउट ठीक है चलो गेट गेटिंग स्टार्ट विद फ्लोएम जाइलम तक कवर कर लिया था हमने है ना वी कंप्लीट ज़ाइलम, वी हैव टू स्टार्ट विद फ्लोएम। गुड मॉर्निंग चलिए फ्लोएम से स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स पर्मांट टिश्यू सेकेंड फ्लोएम इज हेल्पिंग यू इन कंडक्शन ऑफ हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड मेनली फूड मूव करेगा अब मैंने ना डायलम के लिए आपको कहा था कि रूट से स्टेम की तरफ जाता है है ना जो हमारा पानी है हैं वो पानी के साथ साथ आपके पास रूट टू तो शूट मूव करते हैं है। लेकिन में में ऐसा कोई यूनी नहीं है, है तो हम क्या कहते हैं जो खाना फ्रॉम सोर्स टू सिंक कैसे मूव करता है वो सोर्स टू सिंक मूव करता है मतलब जहां खाना ज्यादा है या जहां खाना बन रहा है उससे उधर की तरफ जहां खाने की रिक्वायरमेंट है इसलिए right. so इसलिए के अंदर ज़्यादातर डायरेक्शन दोनों तरफ तरफ तरफ, चलता है, शूट से रूट की तरफ और रूट से शूट की की और उसको बाई डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोल सकते हो गलत नहीं होगा ठीक चलो अब आती है बात फ्लोएम के टाइप्स की बचपन में जो बेचारे प्लांट के पास फ्लोएम बना उसको आप क्या बोलोगे उसको बोलोगे प्राइमरी फ्लोएम ठीक और जो जिंदगी में बाद में बना सेकेंडरी फ्लोएम जो अभी तक भी प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड में कंफ्यूज है प्राइमरी इज द प्राइमरी ग्रोथ हाइट वाइज लेंथ वाइज जब प्लांट इंक्रीज कर रहा है सेकेंडरी जब वो गर्थ में इंक्रीज करने लगेगा तो प्लांट के इनिशियल ईयर्स की ग्रोथ इज प्राइमरी और लेटर ईयर्स की ग्रोथ इज सेकेंडरी ठीक प्राइमरी फ्लोएम के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं वन इज नोन एज प्रोटोफ्लोएम जैसे जाइलम में था नोट्स कल के देखोगे तो याद आ जाएगा प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम ठीक है लेकिन जाइलम में बेटा हमने अरेंजमेंट लगाया था एग्जार्क के एंडार कंडीशन या ना वो अंदर और बाहर कैसे अरेन्ज है ऐसा अरेंजमेंट यहां नहीं है हमें उस चीज का लोड ही नहीं लेना ओवर एंड आउट दिस इज इट फॉर फ्लोएम फ्लोएम के अंदर हमने टाइप्स पढ़े थे आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट यू फाइंड इन फ्लोयम सबसे पहला आएगा सीव ट्यूब सेल्स सेकेंड कंपेनियन सेल्स थर्ड फ्लोयम पैरेंकाइमा एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर ठीक है ये चार कॉम्पोनेंट है आपके पास फ्लोएम में ठीक यहां तक क्लियर लिख लिया ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू वॉट इज द फंक्शन ऑफ सीफ ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं यहां से पोर्शन यहां तक ये बात वैसे भी हमने बार 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 रिपीट की ही है बच्चा we have done this multiple times ठीक है सारी जिंदगी क्या हो तुम सुपरमैन हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल बी प्रेजेंट इन एवरी क्लास एंड एवरी टीचर एवरी वेयर वॉट आर यू वॉट आर यू नथिंग जस्ट अ टाइनी लिटिल ह्यूमन है ना तो ये सुपरमैन वाले काम करना बंद करो कि हम सारी क्लासेस सारी जगह पे हर जगह प्रेजेंट होंगे हर जगह व्हाट इज फिजिबल टू यू डू दैट खोपड़ी का इस्तेमाल करें प्लीज नॉट एवरी ऑब्वियस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टोल्ड ठीक है सम ऑफ द दियस थिंग्स आर लेफ्ट टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड दोज थिंग्स सक्सीड जो ये सोच के बैठा है कि हमको आगे कोई बता के जाएगा कि भाई कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो खोपड़ी का इस्तेमाल करें अपना खाली ना लेके बैठे उस खोपड़ी को थिंक अबाउट इट ट्वेंटी फोर सेवन आन अकेडमी में सुबह सात बजे से रात अगले दिन सात बजे तक ट्वेंटी फोर सेवन क्लासेस चलते हैं ट्वेंटी फोर सेवन तुमको क्लासेस अटेंड करने को बोलेगा कोई तुम करोगे इज इट पॉसिबल एन वॉट विल यू डू वाई यू वॉन्ट टू अटेंड क्लासेज और वाई यू वॉन्ट टू ठीक है चलिए स्टार्टिंग विथ सी ट्यूब सेल्स नेक्स्ट पेज ले रही हूँ मैं आप अपने कंटिन्यू करना नोट्स में डायग्राम बना देते हैं एक बार लो जी सिर्फ चार डंडियां खींचनी है और आपका डायग्राम तैयार ठीक रेडी ओके सो पहला सेल जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे दिस सेल दिस इज अ अफ ट्यूब सेल सीफ ट्यूब सेल सीफ ट्यूब सेल काफी बड़ा है तो इट इज लॉन्ग लोंगेटेड एक चीज बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है आपको ये देखो वैक्यूल बीचो बीच कितना बड़ा वैक्यूल दिख रहा है सो लार्ज वैक्यूल लार्ज वैक्यूल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड e का मतलब नो no न्यूक्लियस अब ये है एक ऐसा सेल जो सारे क्लासेस सारी जगह सारे टीचर्स के चार टीचर्स से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो सारे क्लास अटेंड कर रहे हैं तीन महीने से पिछले तीन महीने लगा के एनाटॉमी पढ़ा और वो भी नहीं आता क्यों क्योंकि सब जगह अलग 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 बातें सुन रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये है वो प्राणी ज गिवन द ब्रेन टू साइड वाला तू मेरा ध्यान रख तू मेरा ध्यान रख तो क्या कोई एक पर्टिकुलर बैच को फॉलो करना है उसी के सिर्फ क्लास अटेंड करना है बस है एक एक टीचर है हर सब्जेक्ट का बिल्कुल जिंदगी सुकून में कट रही है ठीक है बना हुआ स्केडूल मिल गया उसके अलावा जो टाइम बचेगा वो सेल्फ स्टडी में जाएगा अगर स्कूल और कॉलेज में अभी भी कंफ्यूज हो तो बेटा मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ सेट योर प्रायोरिटीज क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप हाउ इज फिर वही बात है हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू जिम एवरी डे

सिर्फ ट्यूब सेल के साथ भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है बेचारे के पास ब्रेन नहीं है लेकिन इसने दिमाग लगा के दिमाग हटवाया है इसने जान बोला कि भाई देख तू मेरे पास बहुत सारा खाना डंप कर देगा ठीक है मेरा खाना ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में भागेगा मैंने अगर न्यूक्लियस रखा तो ये न्यूक्लियस मुझसे हर बार पूछेगा ये क्यों आया है अंदर ये कौन है इससे क्यों बात करनी है ये कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस एंड मुझे थोड़ा फास्टर प्रोसेस चाहिए तो सीफ टू सेल के अंदर से न्यूक्लियस हमने हटा दिया। इसका ध्यान रखेगा, इसके में लगा हुआ सेल होते हैं ना दोस्त तुम्हारे तुम्हारी जिंदगी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं खुद की चाहे जिंदगी कितनी बुरी चल रही हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर देंगे एक बार सॉल्व करने के लिए ठीक है तो कंपेनियन सेल इज गोइंग टू हेल्प यू विद द न्यूक्लियर फंक्शन द ब्रेन ऑफ द सेल कंपेनियन सेल्स दोनों सेल्स का ध्यान रखे हुए है इट टेकिंग केयर ऑफ इट सेल्फ एंड द नेबरिंग सीफ ट्यूब सेल पहला पॉइंट न्यूक्लिएटेड और जब दोनों का ध्यान रख रहा है दोनों के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली डेंस साइटोप्लाज्म बेचारा लगा हुआ काम ही काम कर ही जाए सुबह शाम तक तुम्हारा भी काम कर रहा है अपना भी काम कर रहा है है अब आती है बात अगली सीव ट्यूब सेल्स को जब आप देखोगे ऊपर और नीचे वाले सीव ट्यूब सेल के बीच में एक दीवार है लेकिन वो दीवार में छेद है बहुत सारे द लॉट ऑफ होल्स इन दैट पर्टिकुलर वॉल दिस वॉल्ड रिप्रेजेंट्स सीव प्लेट सीव प्लेट कुछ ऐसी नजर आती है अगर आप उसको ऊपर से देखोगे या आप उसको साइड से देख रहे हो मैंने ऐसे लॉन्गे सेक्शन सेक्शन हुआ आप साइड से देख रहे हो अगर मैं आपको इसको ऊपर से देखने को बोलूं तो ऊपर से देखते टाइम सीव ट्यूब सेल कुछ ऐसा दिखाई देगा इट इज गोइंग टू बी ऑल डिपोजिटेड विद ये व्हाइट वाला पोर्शन जो मैं बना रही हूं दिस इज नथिंग बट कैलोज द वाइट पोर्शन रिप्रेजेंट कैलोज इस कैलोज के डिपोजिशन की वजह से पूरे में डिपोजिट हो गया लेकिन कहीं कहीं पर यह डिपोजिशन नहीं होगा छल्ली होती है ना उसको सीव कहते हैं छलनी जैसा सेल है इस छलनी जैसी प्लेट बनी हुई है These year, which are empty pores, इनको हम कहते हैं तो दो सीव ट्यूब्स को एक दूसरे से अलग करता हुआ होगा सीव प्लेट सीव प्लेट में होंगे सीव पोर छेद प्लेट में तो छेद है ठीक है तो जो भी आपके पास खाना पानी जो भी जा रहा है वो इधर से निकल रहा है इधर 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 की की तरफ तरफ। से निकल रहा है डायरेक्शन राइट right. अब ध्यान रख रहा कौन कंपेनियन सेल क्यों रख रहा है भाई ध्यान कोई पराया इतना काम थोड़ी करता है आपके लिए कौन करेगा कोई रिश्तेदार या कोई क्लोज फैमिली मेंबर भाई बहन मम्मी पापा फ्री फोकट में थोड़ी ठीक है हा तो क्या कर रहा है कौन ध्यान रख रहा है ये क्या है ना सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल आर नोन एज सिस्टर सेल्स कैसे स्टार्टिंग में जो एक सेल था एक सेल था इट इिवाइड इनटू टू ठीक है और दोनों सेल के पास न्यूक्लियस आया होगा बेटा नॉर्मल माइटोसिस हुआ वन सेल डि इनटू टू एंड टू इट डिवाइड इनटू वन सीव ट्यूब सेल और एक आगे जाके कंपेनियन सेल बन जाएगा बने तो ये डॉटर सेल्स थे जब माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड करता है तो दोनों को डॉटर सेल्स बोलते हैं डॉटर सेल्स आपस में क्या हुए बहने है ना सिस्टर सेल्स हो गए सो दीज आर नोन एज ऑनटोजेनेटिकली ऑन्टो जेनेटिकली सिस्टर सेल्स

वे दैट इट इज मूविंग अपन एट देश कभी टूट जाती है कभी कभी तो इसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन भेजने पड़ेंगे अब प्रोटीन कौन बना सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन हो इन्फॉर्मेशन किसके पास है कंपेनियन सेल के पास तो कंपेनियन सेल क्या करता है देखो मान लो अगर ये जो मेरे पास सीफ प्लेट है बीच में किसी वजह से टूट गई ये प्रेशर की तरफ मूव करने की वजह से जो दोनों तरफ खाना मूव कर रहा है उसमें कहीं सीफ ट्यूब में सीफ प्लेट को हार्म हो गया ठीक है तो कंपेनियन सेल्स अपने पास से कुछ प्रोटीन्स एज फ्लोइम प्रोटीन्स और प्रोटीन्स फ्लोएम प्रोटीन्स और पी प्रोटीन्स कौन बना रहा है इनको कंपेनियन सेल फोम्ड बाय कंपेनियन सेल्स टू रिपेयर सीव प्लेट टू रिपेयर सीव प्लेट क्लियर माई पॉइंट यहां तक ठीक अब आती है बात कि क्या सारे के सारे प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स रहेंगे जैसे हमने टेरिडो जिम्नो एनजीओ की बात करी थी एलगी और ब्रायो की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एलगी और ब्राय में कंडक्टिंग सिस्टम ही नहीं था ठीक है यहां पर हम बात करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम है टेरिडो जिम्नो एनजीओ अब एनजीओ फॉर्म्स में तो प्रॉपर सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स है लेकिन इन टेरिडो फाइटर in terido and gymnosperms we have sieve cells sieve cells and albuminous cells albuminous cells ठीक है इसके पास अलग से कोई कंपेनियर और सीव ट्यूब सेल्स नहीं है दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर कुछ मतलब ओरिजिन वाइज ठीक ठाक सी सेम सी कहानी है वही एल्बीमिन से सेल, सेल के पास न्यूक्लियस होगा सीव ट्यूब सेल सीव ट्यूब्स के पास सीव सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन ये कहानी सिमिलर काम करेगी नाम अलग है क्योंकि बेसिक ओरिजिन वाइज थोड़ा सेल में डिफरेंस है क्लियर डन चलो अब बेटा अब आती है बात इसके आगे वाली इसके आगे थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं सीव ट्यूब सेल्स सेल्स और कंपेनियन की जब हमने बात करी मेन मूवमेंट खाने का होने वाला है राइट अगेन मूवमेंट ऑफ फूड इज हाउ ऊपर नीचे साइड में कौन ले जाएगा फ्लोएम में वही साइड में लेके जाएगा जो जाइलम में ले जा रहा था जाइलम में कौन साइड ले जा रहा था पारन सिमिलरली फ्लोएम पारन इज गोइंग टू हेल्प इन रेडियल कंडक्शन तो दो हो गए सीव ट्यूब सेल हो गए कंपेनियन सेल हो गया अब हमारे पास क्या बचा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट थर्ड फ्लोएम पैरन कायमा एंड फ्लोएम फाइबर

Sieve tube cells plus companion cells form main conducting component of phloem. And hence, that is known as leptome. The main conducting part of xylem was known as hadrome. The main conducting part of phloem is known as leptome. लिक्लो लिक्लो डन ओ सॉरी 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 माई सॉरी लिख लो डन चलिए बड़े चले ओके तो फर्स्ट सेव ट्यूब सेल्स सेकेंड कॉम्पोनेंट कंपेनियन सेल्स थर्ड कॉम्पोनेंट फ्लोएम पारन कायमा फ्लोएम पारन कायमा इज लिविंग एंड हेल्प इन रेडियल कंडक्शन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड साइड में खाना ले जाने के काम साइड वाले डिशो को खाना देना है ठीक है इसके अलावा अरे यार हाँ इसके अलावा आपके पास आ जाएगी बात वेयर इज इट प्रेजेंट एंड एबसेंट एब्सेंट इन मोनोकॉत्स मोनोकॉत्स में आपके पास ज्यादातर फ्लोएम पारन कायमा एब्सेंट होगा खलास ठीक है बाकी कहानी तो वही चल रही है बेसिक फ्लोएम फाइबर की बात करेंगे अगर फ्लोएम फाइबर की बात करो फाइबर पे आ जाओ फ्लोएम फाइबर्स लॉन्ग थिन फाइबर है ना डेड मेड अप ऑफ स्क्लेरन कायमा डेड मेड अप ऑफ स्क्लेरन कायमा ठीक है अब स्कलैन कायमा है डेड है फाइबर है तो नैरो थिन लॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स नैरो लॉन्ग लिग्निफाइड सेल वॉल लिग्निफाइड सेल वॉल ऑब्लिटरेटेड ल्यूबन वही सारी कहानी आई लेकिन एक और मस्त इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास फ्लोएम फाइबर में दे बिकम वेरी वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर का एक इंपॉर्टेंस और आ जाता है इसका हम एक और नाम बोलते हैं दिस इज आल्सो नोन एज ए के ए ऑल्सो नोन एज बेस्ट फाइबर्स ठीक है किसमें मिलते हैं आपको ये बेस्ट फाइबर्स जूट हेम्प फ्लैक्स दिस इज वे यू फाइन फ्लोएम फाइबर आप जूट है फ्लैक्स का जब फाइबर निकाल रहे हो ना तो आप उसके पेड़ को पीटते हो तार 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 वो ड्राई हो जाता है उसका फ्लोएम का फाइबर बचता है वो वो जो रस्सी आपके पास बन रही है जूट की दैट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टेम वाला पार्ट क्योंकि फ्लोएम वहां पे है ठीक है अगर आप यही सोच के देखो कॉटन या कोकोनट कोकोनट के फ्रूट से आ रहा है उसका फाइबर तो वो बेस्ट फाइबर नहीं है वो फ्लोएम फाइबर नहीं है ठीक है कोकोनट इज नॉट फ्लोएम फाइबर कोकोनट इज उसके फ्रूट का फाइबर ड्रूप में आता है वो दूसरी बात कॉटन कॉटन अगेन सीड फ्रूट से आ रही है बात उसके बाहर लगा होता है सीधे आसपास आपके वो होता है पूरा का पूरा सो अगेन नॉट अ फ्लोएम फाइबर ऑप्शन में आ गया विच ऑफ फ्लोएम फाइबर जूट हेम फ्लैक्स कॉटन कॉटन विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्लोएम फाइबर जूट हेम फ्लैक्स कोकोनट कोकोनट समझे मेरी बात सो दिस इज वेरी वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा ठीक है डन फ्लोएम कंप्लीटेड मूविंग टू टिश्यू सिस्टम

सिस्टम पे मैं पहला बड़ा फोकस कर रही हूं तो मैं इसको यहां पे बड़ा बड़ा लिख रही हूं ठीक है इसके अलावा यू हैव टू मोर यार लाइनें थोड़ी आराम से बना लेती हूँ सो दिस इज वन द अदर वन इज योर एंड द थर्ड वन इज योर ठीक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम ठीक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तीन पार्ट्स में हमने प्लांट के टिश्यू सिस्टम्स को डिवाइड किया है अब पहले बात करेंगे टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल मोस्ट सबसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की ठीक है अलग से हेडिंग डालना चाहो अलग से डाल सकते हो इसी पॉइंट से कंटिन्यू करना चाहो इसी से कर लो राइट टोटली अप टू यू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पॉइंट नंबर वन आउटरमोस्ट टू सबसे बाहर है तो फंक्शन प्रोटेक्टिव सारे सेल्स मेजोरिटी पैरन कायमा पैरन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है उससे ज्यादा सेल्स नहीं होते इट इज नॉट दैट एक के बाद नीचे 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 मल्टीपल लेयर्स है इट इज मोस्टली जस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल वन सिंगल लेयर ऑफ सेल ठीक है इन सबके इनिशियल्स उठा लो तो इसके लिए आपके पास टर्म बनेगा उप्स मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड सिंगल लेड ऑब्वियसली जिंदगी में एक्सेप्शन नहीं आया तो बायोकाय का तो सिंगल लेड होने के अलावा देर आर अ फ्यू एक्सेप्शन वेर एक्सेप्शन में हमारे पास आ जाता है मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट इन योर एपिडर्मिस एपिडर्मिस ही डबल और ट्रिपल लेयर होगा थिक होगा थोड़ा ठीक है तो ये जो थिक एपिडर्मिस मेरे पास बन रहा है एग्जाम्पल इट इज सीन इन फाइकस फाइकस कौन है बैनियन ट्री पीपल ये सारे फाइकस है ठीक और नीरियम uh, नीरियम और फाइकस में आपको मल्टीपल लेड एपिडोमिस मिलने के चांसेस है ठीक है सारे स्ट्रक्चर में नहीं थ्रू आउट बॉडी में नहीं कभी कभार लीफ के अंदर प्रेजेंस थिक आ जाता है तो so, ऐसा आपको मल्टीपल लेयर मिलने का चांस है इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बींग आउट मोस्ट विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट वॉट एक्सटर्नल कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन तो टिपिकली एक एपिडर्मल सेल के अंदर क्या क्या सेल्स हो सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दैट तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और उसको फिर हम लेबल करते चलेंगे टिश्यू सिस्टम, ठीक है वट ऑल डू वी हैवर ड्रॉ कर लो फटाफट से फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इसको साथ के साथ हम्म, डन रेडी सावास, सावास मित्रों सावास चले सावास चलो ओके दिस दी आउटर मोस्ट लेयर सारे के सारे जिसमें कोई कुछ कुछ अलग नहीं है जिंदगी बिल्कुल उसकी सुकून और नॉर्मल एवरेज निकल रही है दिस सेल इज एपिडर्मल सेल सारे सेल्स ज्यादातर आपके एपिडर्मल सेल्स की कैटेगरी में आते हैं क्या चीज है ये बेटा ये पैरनकाइमा है पैरन कायमा है और इसके अंदर नो क्लोरो प्लास्ट ऑफ़ मीन मैक्सिम ऑफ नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नहीं होता है एपिडोमिस सबसे बाहर वाला लेयर ठीक है द लेयर इज नॉट नॉट ग्रीन इन कलर ठीक अब इसके बाद आते हैं कुछ सेल्स ऐसे जिनमें हो सकता है कि बाहर की तरफ एक्सटेंशन हो ठीक इट मे बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स दी आउटसाइड अब ये जो एक्सटेंशन है जैसे इसके अंदर भी आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल एपेंडिजेस एक्सटेंशन एपिडर्मल अपेंडिजेस दो पार्ट में डिवाइड करा हमने एक बोला शूट वाले पार्ट में ऊपर एरियल पार्ट एक बोला रूट वाले पार्ट में हो सकता है ठीक है तो रीजन और तो दूसरा आ जाता है इन शूट रीजन दैट इज स्टेम लीफ जो रूट में प्रेजेंट है दे आर नोन एज रूट हेर वो सिर्फ एक सेल बाहर की तरफ एक्सटेंड कर गया उसे हम कहते हैं रूट हेयर रूट हेयर आर यूनिसेलर सिर्फ एक सेल का बना होता है एंड इट इज अनब्रांच्ड ठीक है इट अनब्रांच्ड डिवाइडेड नहीं होगा वो सिर्फ जैसा मैंने बनाया ना मेरा ऐसा होगा सिर्फ वो एक एपिडर्मल सेल का थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंशन आ गया प्रूज आ गया बाहर की तरफ बढ़ गया है वो सेल लंबा हो गया ठीक है शूट के अंदर यहीं पे इस चीज का नाम पड़ जाएगा इस एपिडर्मल अपेंडिज का नाम शूट में पड़ जाता है ट्राइकोम नाउ द ट्राइकोम दैट यू हैव ट्राइकोम मे बी ब्रांच और अनब्रांच्ड, ठीक है और दूसरा यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर यूनी और मल्टी सेलुलर या ब्रांच और अनब्रांच दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ज्यादातर जब वो एक सिंगल सेल का होता तो ब्रांचिंग नहीं होगी अकेला सेल है काय का ब्रांचिंग एक सेल है इट विल नॉट बी ब्रांच इट विल बी स्ट्रेट वेन मल्टीपल सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लंबा 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 लॉन्ग हेयर लाइक आउट ग्रोथ बना है तब वो ब्रांच भी हो सकता है ठीक अब फंक्शन क्या है दोनों का क्यों बनाया मैंने रूट हेयर और ट्राइकोम वॉट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग अ रूट हेयर रूट हेयर तो इसलिए बनाया गया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक इट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर क्या है एब्जॉर्ब करेगा भाई जिंदगी में बोलो कमेंट सेक्शन जल्दी व्हाट विल योर रूट सेल एब्जॉर्ब व्हाट इज इट्स फंक्शन एग्जैक्टली वाटर और वाटर के साथ साथ क्या आता है मिनरल तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्शन बढ़ाने के लिए मैंने रूट हेयर बनवाया शूट में कुछ एब्जॉर्ब तो करना नहीं मुझे तो शूट में ट्राइकोम क्यों बनाया make sense. अगर मैंने ये सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्बन रूट में कर तो ट्राइकोम का क्या काम है सरफेस पे अब ट्राइकोम का काम सरफेस पे ऐसा है कुछ जैसे आपका बॉडी हेयर का काम है ठीक है ये अप हो जाते हैं और इसे बिच जाते हैं पूरे सर्फेस पे दे मे बिकम अ लिटिल थिक

ठीक है आर प्लांट जिसको आपने पकड़ लिया और वो अगर आपके हाथ में ये ट्राइकोम्स बर्स्ट हो जाते हैं उसमें होते हैं एंजाइम वो तो आपका सरफेस स्किन खिचा 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 खाने लगेगा ठीक है सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी फेस जब हम जा रहे हैं पेड़ के पास तो so, इसलिए पेड़ ने क्यों बनाया होगा सोच के देखो पेड़ ने इतना खतरनाक ऐसे तबाही मचाने वाली चीज एरियल पार्ट में रख दी इसका मतलब वो चाहता है कि उसको कोई खाए ना है ना? It wants to avoid herbivory. पहली चीज दूसरी चीज वो जो इतने सारे पतले 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 हेयर जैसा एक्सटेंशन पूरे पे बिछ जाता है उसकी वजह से इस पे आप देखो ये पूरा ऐसे मान लो हरेक पे हेर है और ऐसे 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 बिछ गया पूरे पे वेन इट लाइज डाउन इट वो प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रांसफरेशन मैम एक्सटेंड होने से तो सर्फेस एरिया बढ़ता है सर्फेस एरिया बढ़ने से तो ट्रांसफरेशन बढ़ना चाहिए बट वेट इज वेन इट इज इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया जब ट्राइको से एक्सटेंड करता है तो नॉट नेसेसरीली कि यहां पे आपका साइटोप्लाज्म भरा हो नॉट नेसेसरी है ना ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होगा ना जब आपका पानी वाटर का कोई स्कोप होगा वहां से निकलने का दे माइट बी जस्ट एक्सटेंशंस और हेरी आउटग्रोथ्स नथिंग एल्स तो दो काम हो गए आपके ट्राइकोम के एक हो गया प्रोटेक्शन अगर वो एंजाइम्स वगैरह कैरी कर रहा है या स्टिफ है चुभेगा आपको तो वो हो जाएगा प्रोटेक्शन और अगर एक्सेसिव ग्रोथ सरफेस पे दिखाता है तो दैट विल बी टू रिड्यूस ट्रांसपरेशन एक जगह पे और आएगा मैं समझाऊंगी है गड्ढा सा बन जाता है और उसको कवर करने के लिए पोर को कवर करने के लिए हम ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जैसे यही समझ लो हमारे पास ना एपिडर्मिस में यहां पे ऐसे लगा होता है ठीक जो प्लांट्स बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रहते हैं जिनकी जिंदगी में पानी आया ही नहीं कभी ठीक वो बेचारे ऐसा बनाते हैं स्टोमेटा यहां लगाते हैं स्टोमेटा को अंदर घुसा के और ये जो छोटी सी कैविटी बनी ना इसमें हम ट्राइकोम्स लगा देते हैं तो बच गया ना मेरा स्टोमेटा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने के एयर से माइस स्टोमेटा इज नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट और डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद दायरमेंट उसके चारों तरफ हमने हेयर ग्रोथ लगा दिया

इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर बीवरी से बचा रहा है और ट्रांसपेरेशन से भी बचा रहा है ट्रांसपेरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वॉटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है राइट हो गया अब आप देखो ये दो अजीब से cell. बाकी सारे तो रेक्टेंगल से दिख रहे थे ये दो अजीब दिख रहे हैं उसके दोनों तरफ वाले वॉट इज दिस अजीब सेल इज गार्ड सेल ये इसको नेबरिंग आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स के साइड में स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस के सेल्स थोड़े अलग और सब्सिडरी सेल्स और ये छोटू सा पोर बना यहां पे, स्टोमैटल पोर स्टोमैटल पोर इन तीनों को साथ में मैं बोलती हूं स्टोमैटल एपरेटसट बचपन में लिखा करते थे आप लोग जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो है ना रिक्वायर्ड मतलब सारा तामझाम जो हमको चाहिए होगा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए तो पूरा तामझाम जो टोमाटा के आसपास लगेगा वो है सब्सिडरी सेंस सेल्स और टोमेटल पोर नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोमेटल अपर्चर और टोम एपरेटस दैट वी सी ठीक तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ऑन अनदर पेज मैं दूसरे पेज पे ड्रॉ कर रही हूं स्टोमैटल एपरेटस स्टोमैटल एपरेटस ठीक स्टोमैटल एपरेटस को अगर हम डाइकॉर्ड्स में देखते हैं In dicots, we see stomata, में जो गार्ड सेल है दिन शेप्ड इसमें इसका अपना न्यूक्लियस नॉ न्यूक्लियस इसके दोनों तरफ हमारे पास आएगी राइट ये जो कॉर्नर में मेरे पास सेल्स है ना बच्चा दीज सेल्स आर आर प्रेजेंट ह्योर दी सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स स्पेशलाइजी डेपी डॉमिस के अंदर स्टोमाटा के पोर के साइड में जो गार्ड सेल्स हैं, उनको अलाइन करते हुए उनके साइड में लगे हुए स्पेशल सेल्स होना है सब्सिडरी सेल्स इनका नंबर वैदी करता है नहीं हो सकता हो सकता है ही नहीं हो सकता है दो है हो सकता है चार है हो सकता है छः है हो सकता है आठ है तीन है पांच है पॉसिबल ठीक इसको नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स ऑल्सो तो टेक्सोनोमिकटेंस है सब्सिडरी सेल्स का टेक्सोनोमी में हेल्प कर देगा हमको क्लासिफिकेशन में हेल्प कर देगा हमको ठीक है अब आती है बात अंदर वाले सेल्स सेल्स एपिडर्मिस की अगर आप बात करोगे ना इन एपिडर्मल सेल्स पूरे एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल्स ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट है होल एपिडामिस दंटेन्स क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स ये पीछे दिख रही है ना पूरी लाइन कहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं है सिवाय गार्ड सेल्स के गार्ड सेल्स आर गोइंग टू कंटेन क्लोरोप्लास्ट बाकी नहीं है बाकी किसी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है हालांकि कहा नहीं चल रही है भैया चार्टो तो मजा ही आ गया ठीक तो गार्ड सेल्स को अगर देखोगे बेटा गार्ड सेल्स ये बचपन से ड्रॉ कर रहे हो तुम ये वाला डायग्राम है ना अब इसमें क्या चीज ध्यान देनी है कि अंदर वाला जो आपके पास वॉल है ये वाली द वन व्हिच इज टुवर्ड्स द पोर ठीक है ये बनेगी बेटा थोड़ी थिक जैसे आपके पास एक बलून है और उसमें अंदर की तरफ रबर थोड़ा ज्यादा लगा दिया हमने ठीक है कोई अलग से चीज डिपॉजिटेड नहीं है जिस मटेरियल का वॉल होता है उसी मटेरियल का थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस किस चीज का वॉल होता है प्लांट में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल कमेंट सेक्शन क्विकली थिक एंड इलास्टिक इनर वॉल हां जी किसका बना है शाबाश सेल्युलस तो सेल्युलोज की ही थोड़ी मोटी थिकनिंग आपको अंदर की तरफ मिलेगी और ये बाहर की तरफ दिस वॉल इज आउटर वॉल बेटा रबर का थोड़ा वॉल थिक है लेकिन रबर है तो इलास्टिक ही ना तो थिक एंड इलास्टिक थिन एंड इलास्टिक ठीक है दोनों इलास्टिक है दोनों स्ट्रेचेबल है तो क्या होता है सेल से पानी इसके अंदर मूव तो एक तरफ पतला साइब फूस होगा बलून तो, तो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन जब आप उसको इन्फ्लेट करोगे तब उसका शेप निकल के आता है वो हार्ड शेप के बलून भी देखे होंगे ना आपने यूजअली जहां पे हमें नहीं हम नहीं चाहते कि जहां से वो बलून फूले वहां पे आप देखोगे थिकर पार्ट होगा एंड बाकी जहां पे थिन है ना बलून वहां से फूल जाएगा आराम से और फटता भी यूजली उधर से पुड़क बुड़ ठीक है सो वट आर वी गोइंग टू सी हियर इज कि अंदर की तरफ थोड़ी ज्यादा थिकनिंग लगाई बाहर की तरफ कम थिकनिंग लगाई जब ये बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल कंडीशन में है तो ये ऐसे बंद है ठीक है जब इसमें पानी भरेगा तो ये फूलेगा फूले तो बाहर वाली जो वॉल है वो पहले स्ट्रेच होगी क्योंकि वो पतली है तो वो बड़ी जल्दी एक्सपैंड कर जाती है अंदर वाली वॉल इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं करेगी तो इट विल टर्न टू टेक अ शेप लाइक दिस ठीक है तो वो सोलन कंडीशन में टर्जेड कंडीशन में फूला हुआ कंडीशन में ऐसा ओपन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ पोर दिस इज नोन एज स्टोमैटल पोर और स्टोमैटल अपरचर अपर्चर अपर्चर छेद अपरचे छेद एपरेटस तामझाम ठीक है राइट अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेलूलोज जब डिपॉजिट करा रहे हैं ना वॉल बनाते टाइम बड़ी ध्यान से रखी जा रही है इसकी वॉल यही तो बात है ना आर्किटेक्चर ढंग का आर्किटेक्चर लोग घर बनाने के लिए तो अच्छा घर बनाएगा ठीक है दीवार और वॉशरूम्स और घर का किचन और ये सारी चीजें सोच समझ के बनाएगा कि यहाँ से लाइट आती है यहाँ ये है या ये टाइम पास बनाए तो बना देगा कुछ भी फिर तुम्हें पता चला दरवाजा खोल रहा है सामने दीवार है तो वो हो जाएगा खराब आर्किटेक्चर ठीक है अच्छा आर्किटेक्चर में यह ध्यान रखा गया कि ये वाला जो सेल है ना ये बार बार एक्सपैंड होगा और रिलैक्स होगा यह फूलेगा भी स्ट्रेच भी होगा इसमें पानी आएगा तो इसको फूलना भी है और इसको वापस नॉर्मल भी होना है तो इसका मतलब इसकी वॉल में थोड़ा सा थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा हमें कि ये उतनी रिजिड ना बने सेल वॉल दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर इज सपोज टू बी वेरी इलास्टिक एंड शुड चेंज विद टाइम थोड़ा थोड़ा इट शुड नॉट बी वेरी रिजिड जैसे कि बाकी बाकी सारे सेल्स की है तो यहां ध्यान ये करा गया है कि सेल्यूलोस लगाते टाइम सेल्यूलोर्स के जो माइक्रोफिब्रल है एक 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 धागा काइंड kind ऑफ of आप इमेजिन कर सकते हो सेल्यूलोर्स का जो है उसको हम रेडियली अरेंज करते हैं बेटा वी अरेंज इट रेडियली ठीक है वो ऐसे रिंग्स में होगा इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट आप सोचो अगर यहां पे ऐसे लंबा लंबा लंबा, लंबा 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 लगा होता सेलूलोर्स तो हिंड्रेंस क्रिएट करता ज्यादा रिजिड हो ज्यादा वॉल उतना इलास्टिक नहीं रहता कि हर बार आ रहा है तो एक्सपैंड कर रहा है प्रॉपरली और रिलैक्स हो रहा है सो रेडियली अरेंज्ड रेडियली अरेंज्ड माइक्रो फेब्रिल्स और सेल्युलजिक माइक्रोफेब्रिज ठीक है रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफेब्रिज ठीक है अरे नहीं बस्ट होंगे भाई तुम तो पहले मचा लो वो बिल्कुल आउट कॉन्टैक्ट में है एयर के हवा के कॉन्टेक्ट में है वो ज्यादा बकवास करी तो बाहर फेंक देगा पानी बर्स्ट क्यों होगा तुम्हारे को मैं पानी पिलाते जाऊ पिलाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ, 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 जाओ तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है ना कि तुम उल्टी कर दो तुम्हें मैं इतना खाना ठूस दू और फिर मुंह बंद कर दू पेट फट जाएगा तुम्हारा पेट फटा आज तक नहीं फटा ना ये भी नहीं फट रहा है इट विल एक्सपैंड इट विल नॉट बर्स्ट ठीक है बिकॉज ये बिल्कुल एयर के कॉन्टेक्ट में है और वॉटर बाहर रिलीज कर सकता है ठीक है चलिए फिर आती है बात मोनोकॉट मोनोकॉट के अंदर शेप चेंज कर लिया स्टोमेटा बोला कुछ नया करते हैं जिंदगी में तो बोला डम्बल शेप गार्ड सेल्स बनाऊंगा ये जो है हम लेबल ही नहीं किया गार्ड सेल्स आर बीन शेप ठीक है वहीं पे इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे डंबल शेप और डंबल शेप में जो थिकनिंग है ना बेटा वो बीच वाली वॉल्स पे है मोनोकॉट ने बहुत सोच समझ के सारे अडॉप्टेशंस किए हैं वैसे तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी थॉट आफ्टर मॉडिफिकेशंस दैट वी हैव इसके जो बीच वाले वॉल्स है ये दिस मैंने कुछ अजीब ही बना दिया थोड़ा रुको I'll... Rub it and draw it again. जो वॉल्स ना उन पे थिकनिंग है राइट एंड दिस थिकनिंग जो ये जो शेप है हमारे पास डंबल शेप ऑफ़ गार्ड सेल्स, डम्बल शेप सेल्स दैट वी हैव, दे यूजली ओपन एंड क्लोज फास्टर देन नॉर्मल हमारा किडनी बीन शेप ठीक है है जो बीन हमारे पास गार्ड सेल्स ना उसके कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी ओपन होता है और क्लोज होता है सो दैट इज एन एडवांटेज शायद उसकी वजह से मोनोकॉट्स ने इसको डेवलप किया है और इनके साइड में भी आपके पास फिर आ जाएंगे सब्सिडरी सेल्स सब्सिडरी सेल्स डन डन चलो शाबाश अब देखो गार्ड सेल्स यहां पे भी वही है न्यूक्लियस होगा इनके पास

एक थोड़ा अजीब दिखने वाला सेल बनाया है मैंने ठीक दिस सेल रिप्रेजेंट्स बुलिफॉर्म सेल्स ऑल्सो नोन एज मोटर सेल्स ठीक है ये थोड़ा अलग कंडीशन है बेटा सब जगह नहीं होगा इसलिए इस पर स्टार लगा रही हूं मैं थोड़ा दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी एपिडर्मिस। बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स

Since. काम क्या है इनका आप मोनोकॉट की लीफ देखोगे ना ज्यादातर यू विल सी अ लीफ लीफ एंड वुड बी नोटिस करना ग्रासेस में ठीक है मकई अभी तो सर्दियों में आता भी था स्टार्टिंग में आ भी रहा होगा काफी जगह पे मकई मकई को जब आप छीलोगे तो उसके बाहर का एक जो ग्रीन वाला पत्ता है उसको देखो या कोई भी आप ग्रास देखोगे ना These grasses usually, ना, एक एक शीट ऑफ पेपर से करते हैं। दीज ग्रासेस यूजअली ये ऐसे पेपर है मान लो ये पत्ता आपका ठीक है ऐसे लगी होती है ग्रास का लीफ वो ना ऐसे रोल कर जाता है इट रोल्स अप लाइक दिस मैं मुचड़ नहीं रही हूं उसको कर्ल नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट रोलिंग द होल लीफ इट इज स्ट्रेट वो ऐसे रोल कर जाता है जब पानी की कमी होती है भरी दोपहरी में जब नॉर्मल होगी कंडीशन जब पानी आएगा तो वापस खुल जाएगा लीफ यूजुअली एक एंगल पे होता है एंगल पे इट रोल्स अप लाइक दिस एंड इट ओपन लाइक दिस अगेन वो जो रोलिंग ऑफ लीफ हो रहा है ना दैट इज बिकॉज ऑफ दिज बुली फॉर्म सेल्स ये बिल्कुल बीच वाले मार्जिन पत्ते के मार्जिन के बीच में होते हैं और ऐसे हो यहां कॉर्नर पे लगा होगा पानी है प्रॉपर तो लीफ खुला हुआ जैसे पानी हो रहा इसमें से ये ऐसे कर्ल कर गया ठीक है देन इट ओपन पानी भर गया पानी नहीं गया। एक तरीके से वैसा चीज हो गया जैसे आप रिम की टिकिया से एकदम मस्त बिंदास हाथ धो लो दिन में छह बार धो ठीक है अभी जैसे आपने क्रीम लगाया हो तो प्रूव आप ऐसे ऐसे हाथ ये ये ठीक गंदा रिन डिटर्जेंट एकदम बर्बाद हालत में गंदे डिटर्जेंट से आपने एकदम हाथ धो लिया एकदम हार्श डिटर्जेंट से और फिर तुम अपनी भरी सर्दियों में हाथ सीधे करने की कोशिश करना फट तो जाएगा हाँ। जाएगा हाथ क्रैक आ खून निकलेगा यहां से फट गया से होता है ना इरिटेशन यू कैन नॉट स्ट्रेच योर हैंड कंप्लीटली प्रॉपरली तो क्या हुआ सर्फेस पे से आपका जो अपर लेयर है उसका ऑयल खत्म हुआ उसका मॉइस्चर खत्म हुआ, हुआ तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो गई सिमिलर कंडीशन ये हो जाएगा जैसे इसने यहां से पानी लॉस हुआ इधर वाला पार्ट ऐसे रोल कर जाता है पानी भरा वापस राइट सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स एंड दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर दे आर ओनली प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ डायकॉट में नहीं मिलेगा आपको हम्म डन चलो अब आती है हमारे पास अगली अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ये सॉरी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ठीक है अगला पॉइंट हम लेके जा रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सेकंड बेटा इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठीक है तो आप ना इसको सबसे ज्यादा ध्यान से समझोगे और सबसे ज्यादा ध्यान से याद करोगे कल की क्लास में आने से पहले स्पेशली सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊं मैं उससे पहले रटा होना चाहिए कौन सी लेयर के बाद कौन सा लेयर आएगा ये याद करना है छह बार लिखो पच्चीस बार लिखो दो सौ बार लिखो मुझे नहीं पता लिखना है और लिख लिख के याद करना है इसको ठीक अब देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वैन आई टॉकिंग अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पहली बात तो सबसे बाहर वाली लेयर में हटाई दे रही हूँ दिस इज एपिडर्मिस आई एम नॉट गोइंग टू लेबल इट क्योंकि एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है मेरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है तो मैं इसको कंसिडर ही नहीं करने वाली हूं ठीक है ये यहीं तक था अब आती है इसके अंदर एक लेयर द लेयर नेक्स्ट टू एपिडर्मिस द लेयर नेक्स्ट टू एपिडर्मिस एंड देन द लेयर वेरी इंटरनल टू एपिडोमिस ठीक hmm. है एपिडर्मिस आई एम नॉट लेबलिंग बिकॉज एपिडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तो उसके अंदर वाले लेयर से स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर का जो आपको लेयर दिख रहा है दिस रिप्रेजेंट्स हाइपोडर्मिस नाउ हाइपोडर्मिस इज एबसेंट इन रूट रूट में ये महाशय है ही नहीं शूट प्रेजेंट होगा अपर पार्ट में है स्टेम में है ठीक है स्टेम वाले पार्ट में आता है मेरे पास और स्टेम वाले पार्ट के अंदर डायकॉट मोनोकॉट वाली बात हो जाती है डायकॉट मोनोकॉट डायकॉट इज मेड अप ऑफ पॉलन कायमा एंड मोनोकॉर्डमेट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन कायमाटिस स्क्लेरन कायमा मोनोकॉट का ना फेवरेट है स्क्लेरन कायमा जामन गया वहां चेप देता है ठीक है उसे लगता है अरे कुछ नहीं होगा स्क्लेरन <laughs> कायमा ठीक है पानी बचेगा पानी बचेगा स्कलैरन स्क्लेरन मन करता का उसका स्क्लेरन कायमा फेंक के मारता है सॉलिड जिंदगी ठीक है सो दिस इज वेयर फाइंड कॉन स्क्लेरन कायमा इन मोनोकॉट एंड कॉलन कायमा इन डाइकोट का शूट सिस्टम ठीक ये हुई हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस के अंदर आओगे ये येलो ये, ये, वाली लेयर के बीच वाले पार्ट को देखो ये वाला पार्ट दिस पार्ट इज नोन एज मिडिल कॉटिक्स मिडिल कॉटिक्स इज अप ऑफ पैरन अब देखो कैसा भरा है उसने पूरा पैरन भर दिया जगह भरी हुई है भाई मेरे को जगह भरनी है तो क्या करूं पैरन भर दे रीजन यूर बैकग्राउंड टिश्यू या इसका ठीक है पैरन कायमा बैठा बैठा क्या करेगा क्या करेगा स्टोरेज कर लेगा अगर है कुछ काम तो नहीं तो ठीक है बैठा हुआ है जगह भर दी ना उसने वो जगह भरने के लिए था भीड़ के लिए था हमारे पास ठीक नाउ वी मूव टू द इनर स्ट्रक्चर दैट इज द येलो पार्ट येलो वाले रीजन को हम कहते हैं एंडोडर्मिस ठीक है बेटा ये तीनों लेयर हाइपोडर्मिस मिडिल कॉटेक्स एंड एंडोडर्मिस टुगेदर इज नोन एज कॉटिक्स हाइपोडर्मिस मिडिल कॉटिक्स एंड एंडोडर्मिस टुगेदर इज नोन एज कॉटिक्स अगर तीनों लेयर प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त काम किया बिडू ठीक है एकदम मस्त एकदम वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स बनाए हो गुड लेकिन अगर इसमें लेयर्स जो कि ज्यादातर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है देन दैट इज नोन एज अ नॉट वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स तीनों लेयर दिख गई तो अच्छा खासा वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स नहीं दिखी तो नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एंडोडर्म का स्टेम में कुछ काम नहीं है स्टेम में बैठा रहता है और बोलते क्या करूँ बोला खाली बैठा स्टार्च रख ले भाई फूल है आई एल स्टोर स्टार्च सो इट इज नोन एज स्टार्च शीत ठीक है सो दिस इज ओनली स्टोरिंग स्टार्च इन स्टेम फालतू काम न्यू है तो है नहीं तो नहीं भी है कोई ऐसा मेन इंपॉर्टेंट काम नहीं है अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम रूट ये जबर काम कर रहा है रूट में इट इज नोन एज चेक पॉइंट एंडोडर्म इज एक्ट्स एज अ चेक पॉइंट जब आप रूट में एंडोडर्मिस देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये ज्यादातर एक तो सिंगल लेयर होता है और बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं इसके ठीक है कैसे सेल्स हैं ये दीज आर लार्ज बैरल शेप्ड सेल्स और लेयर कितनी सिर्फ एक सिंगल लेयर सिंगल लेयर दिमाग में क्या चल रहा है ना कि एक सिंगल लेयर से तो क्या ही हो जाएगा और बैरल शेप क्या होता है मैम ठीक है तो बैरल शेप सेल्स जो हमारे पास है दैट इज लाइक अ ढोलक ढोलक देखा ना आपने कॉर्नर से थोड़ा ऐसे नारो और या फिर वो अली बाबा और चालीस के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं जिसमें तेल आता है आपने देखा भी होगा जो बैरिकेड्स लगाते टाइम मिट्टी भर के बड़े बड़े से ऐसे ब्लू कलर के ऐसे डस्टबिन से नहीं रख देते बैरल राइट साइड से गोलू मोटू ऊपर से नीचे फ्लैट टेढ़ा कर दो साइड साइड फ्लैट बनी नहीं तो गोलू गोलू ठीक है सो दिस इज बैरल शेप ढोलक शेप सेल ठीक बैरल शेप सेल के अंदर झाको जरा बैरल शेप सेल के अंदर ये है आपकी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन नॉट दिस मच स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी जगह नहीं होती है बट मैंने बनाई है ठीक है तो येलो वाला क्या दिख रहा है आपको सेल मेम्ब्रेन बढ़िया ठीक पानी आ रहा बाहर से तैरता हुआ पानी बाहर से निकलता आ रहा है सारे सेल्स के बीच -बी से निकला से निकला सेल बीच से निकल आया इंटर स्पेस से निकल आया सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से निकल आया बोले जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग ठीक है और खींचे चला आ रहा अंदर एकदम कोई रोक नहीं रहा उसको कोई चेक नहीं कर रहा क्या ला रहे हो अपने अंदर पता चला साइनाइड उठा लाया मुझे क्या पता क्या उठा लाया वो लेड है उसके अंदर मर्की है कैडमियम है है हैवी मेटल्स रेडियो एक्टिव मेटल्स है कुछ भी हो सकता है राइट आर यू ब्रिंगिंग इन इन विद आई डोंट नो किसी ने चेक ही नहीं किया तुमको तुम प्लाज्मो एम्ब्राइन और सेल वॉल की जगह के बीच में से निकल आए तुम इंटरसेलर स्पेसिस में से निकल आए नो बडी चेक डू बिकॉज यू नेवर क्रॉस द साइड तुम सेल के अंदर कभी घुसे ही नहीं कि मुझे पता चले कि कुछ खराब चीज आ भी रही है ठीक है कि सेल वही रोके उसको अगर पता चल जाती तो ये जो कॉर्टेक्स में स्टोरेज कर रहा है रोक लेगा क्या लेकिन नो बडी चेक वॉटर दैट वॉज कमिंग फ्रॉम द इंटरसेलर स्पेस बिटवीन द इंटरसेलर स्पेसेज एंड वॉल प्लाजो एमब्रेन तो उसके लिए मुझे एक चेक पॉइंट शोर्ट शॉर्ट लगाना पड़ेगा कि बाहर से कहीं से भी भागता हुआ कोई भी आए ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके अंदर एंट्री मार जाएगा जाइलम और फ्लोएम में जाइलम में एंट्री मारा बेटा जाइलम में घुस गया मरकरी लेके ठीक है जाइलम से गया ऊपर वाले पार्ट में एरियल पार्ट्स में एरियल पार्ट से गया फ्लावर में फ्रूट में सीड में सीड में गया अगली जनरेशन में जाएगा पेड़ क्यों चाहेगा कि उसके बच्चे के साथ मरकरी जाए नहीं ना और हमारे लिए कितनी अच्छी चीज हो गई ये इट इज सो गुड फॉर अस कि प्लांट खुद ही फिल्टर कर देता है प्लांट ये चीज खुद ही बेचारा फिल्टर कर दे रहा है वो खुद ही नहीं आने दे रहा है इसे हैवी मेटल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऊपर तो हम अगर प्लांट से फ्रूट खाए बढ़िया अंटे अंडे से आपने उसके ऊपर ही फर्टिलाइजर मार दिया फिर तो तुम जिंदाबाद हैं उसी के ऊपर कीटनाशक कॉकरोच मारने वाला स्प्रे मार के एप्पल खाओगे तो इसमें पेड़ की गलती है ठीक तो मस्त पानी आया 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 अब मैं चेक पॉइंट कैसे लगाऊं मुझे चेक पॉइंट कुछ ऐसे लगाना है कि मेरा ये सेल भी नहीं मरना चाहिए और काम भी बन जाए तो जो पानी मेरे पास भगता हुआ निकलेगा वो निकलेगा बेटा यहाँ से कोशिश करेगा यहाँ से जाने की अब अगर मैं यहीं पे बैरिकेड लगा दूँ तो सो आई इन एक वैक्सी ओ -ओ -ओ -ओ, याद आया पीछे लिखना है कुछ वैक्सी सबस्टेंस लगा दिया इसने क्या वैक्सी सबस्टेंस लगा दिया दिस वैक्सी सबस्टेंस इज नोन एज सुबरिन ये सुबरिन इज इम्परवियस टू एयर एंड वाटर। ठीक है ये रेड रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बीच में लगा दिस इज कॉल्ड सुबरिन सुबरिन इज इम्परवियस टू एयर एंड वॉटर इमरवियस टू यहां पे जो मेन काम है वो है वॉटर ये जो पूरा लेयर लगा ना रेड 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 टॉक तो ये हमारा वैक्सी सब्सटेंस का दिस इज अ वैक्सी सब्सटेंस इसका जो लेयर लगाया मैंने पूरा इस लेयर को बेटा हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप दिस इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप ये जो सुबरिन का पूरा लेयर बन गया ना दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप जिसकी वजह से अब पानी यहां से तो नहीं जा पाएगा पानी कोशिश करेगा साइड से निकलने की तो नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा गोज अक्रॉस अक्रॉस इसलिए साइटोप्लाज्म में चेक होगा कुछ गड़बड़ लाया तो यही रोक लिया जाएगा उसका सेल के अंदर से सारा तामझाम सिर्फ पानी आगे जाने दिया जाएगा ठीक है तो कहीं से भी बाहर से देखो एपिड यहां तक पहुंचा मल्टीपल लेड कॉर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ मल्टीपल लेड कॉर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ पहुंचा है यहां तक यहाँ पे लगा हुआ बैरिकेड बैरिकेड लगाए हुए ऐसे तरीके से कि ट्रैफिक रुकना भी नहीं चाहिए और चेक भी होना तो कुछ कुछ ओपनिंग्स बनाई जो ओपनिंग्स हैं वो ऐसी ओपनिंग्स हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में जाएगा पानी चेक होगा पानी अलाउ करा जाएगा कुछ मिनरल्स अलाउ किए जाएंगे बट टॉक्सिक चीजें अगर कुछ हैं तो उसको वहीं रोक लिया जाएगा दैट इज वाई इट इज एक्टिंग एज अ चेक पॉइंट अब देखो इसका हमेशा यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम इट इज लाइक अ रिबन ओके जो सुबरन है बैरल शेप ऐसा ही दिखेगा आपका बैरल शेप सेल दिस इज योर बैरल शेप सेल ठीक है पूरे पे नहीं लपेट रही हूँ आई एम नॉट यूनिफॉर्मली कवरिंग द होल सेल पूरा ऐसा नहीं है कि रिबन से पूरा लपेटा क्योंकि फुल अगर लपेट दिया फुल कवर कर दिया तो मर जाएगा सेल इट इज अ वेरी वैक्सी सब्सटेंस तो हमने क्या किया इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा ऐसे और ऐसे घुमा दिया हमने इसको लगाया है ऐसा देखो। तो दोनों तीनों वॉल्स पे है सब वॉल पे है अब आपको मैं सामने से कट करके दिखा दूं अगर मैं अगर मैं, अगर मैं आपको सामने से खचाक करके दिखाऊंगी तो आपको क्या दिखेगा कॉर्नर कौने वाले दिखेंगे है ना अगर मैं इसको केक की तरह काट दूं तो आपको ये और ये पार्ट दिखेगा ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना आपको रिबन का यहां से देखोगे तो दिखेगा द रिबन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स बैरल शेप सेल्स तो मैं ऊपर नीचे दाए बाए कहीं से भी नहीं निकल सकती अगर आना है तो इसको क्रॉस करके अंदर से निकल के आना है ठीक है सो दीज बैरल सेल्स आर एक्टिंग ऑफ द सेल एंडोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट सुबरिन जैसा एक इम्परवियस वैक्सी लेर जो अंदर लगाया हुआ ना एंडोडम ने ऐसा ही एक लेर बेटा इसने भी लगाया हुआ यहाँ सॉरी हा आई फॉगॉट इसके ऊपर भी हो सकता है डिपोजिशन वैक्सी सब्सटैंस का दिस वैक्सी सब्सटैंस दैट यू माइट फाइंड ऑन द सर्फ इज नोन एज क्यूटिकल वैक्सी लेयर मेड अप ऑफ क्यूटन ठीक है क्यूटन इज अगेन वेरी वेरी वैक्सी एंड इम्परवियस टू एयर वाटर तो क्यों लगाया इसको मेन फंक्शन इसका था टू रिड्यूस रिड्यूस ट्रांसपीरेशन ठीक है तो जो पानी के अंदर ही डूबा हुआ है उसको क्या ही फर्क पड़ता है तो इट इज एबसेंट इन सबमर्ज डूबे हुए सबमर्ज हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट्स में एबसेंट होगा नहीं मिलेगा आपको ठीक है थिक जेरोफाइट्स जेरोफाइट्स जो एकदम ड्राई कंडीशन में है डेजर्ट में बैठा है बेचारा तो मोटा थिक लेयर होगा उसके ऊपर क्यूटिकल का और इन नॉर्मल नॉर्मल प्लांट्स जो आपके घर के चारों तरफ लगे हुए हैं नॉर्मल बेसिक प्लांट्स जिनके पास पानी है लेकिन चाहे तो रोक रोकना पसंद करेंगे पानी का लॉस ठीक है तो सरफेस से सारा पानी ना उड़ जाए इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए उसका ठीक है बच्चा ओके लास्ट पोर्शन ऑफ द नेक्स्ट क्लास नो नेक्स्ट पोर्शन ये वाला आपका इधर आ रहे हैं हम वापस सो एंडोड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फंक्शनिंग समझ में आई थोड़ा और इसकी फंक्शनिंग के बारे में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में वही मैंने बोला था अनैटमी इज द स्ट्रक्चर की बात फंक्शन के बाद हम ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स वाले में बात करेंगे ठीक सो so, पूरा का पूरा मेरे पास एंडोडर्मिस का मेन फंक्शन ये हुआ कि चेक पॉइंट जैसे एक्ट किया अब पानी टेढ़ा मेढ़ा करते करते साइड साइड से तो निकल नहीं सकता तो बीच में क्रॉस करके निकलेगा क्रॉस करके निकलेगा तो कौन सा लेयर मिलेगा इसको अगला लेयर द नेक्स्ट लेयर इन साइड दिस नोन एज पेरी साइकिल ठीक है नोन एज पेरीसाइकिल पेरीसाइकिल इज मल्टीपल लेड मल्टीलेड और ज्यादातर पैरन का बना होता है ठीक है इसके दो फंक्शंस निकल के आते हैं पहली बात रूट में ज्यादा काम है शूट में आज ज्यादा काम नहीं है रूट इट फॉर्म्स लेटरल रूट अभी सर्दियों में गाजर आएगी ना जब तो गाजर में आप देखना कुछ उसके छोटे छोटे हेयर होते हैं जो सरफेस पे होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं एक्सटेंशन है बस बाहर वाले सेल का इट इज जस्ट ऑन द सर्फिस है ना लेकिन जब आप उसको कट करोगे ना कुछ आपको दिखेगा कि साइड में जो जड़े थी वो थोड़ी मोटी थी और उसका निशान अंदर तक जा रहा है वो रेड वाले एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और बीच में वो जो पोर्शन भी होता है येलो वाइट सा पोर्शन गाजर का उसमें घुस जा रहा है यू विल नोटिस दिस ठीक है इस बार गाजर का ध्यान देना ठीक वो जो पार्ट अंदर घुस गया ना दैट इज लेटरल रूट और वो लेटरल रूट इसका मतलब प्लांट के उस स्ट्रक्चर के अंदर से आ रही है इट इज नॉट जस्ट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस वो अंदर से निकल के आ रही है दैट मीन इट इज फ्रॉम द इंटरनल रीजन एंड हेंस इट इज एंडोजीनस इन ओरिजिन हेयर जो है सिर्फ एक्सटर्नल लेयर का आउटग्रोथ है सिर्फ बाहर वाला लेयर बाहर की तरफ ग्रो कर जा रहा है बाहर का एक सेल बाहर को एक्सटेंड कर जाता है दैट इज एंडो एक्सोजीनस अंदर से आ रहा है अगर एंडो इनसाइड एंडोजेनस लेयर ठीक है तो एंडोजेनस ग्रोथ है किसका रूट के अंदर लेटरल रूट का जो पेरीसाइकल वाले रीजन से आएगी अब पेरीसाइकल के अंदर आपको यहां पे मिलते हैं वैस्कुलर बंडल्स यू फाइंड द बंडल्स हियर वैस्कुलर बंडल की मैं फिर बात नहीं करूंगी क्योंकि वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा तो उसके अलावा क्या बचा उसके अलावा बचा मेरे पास बिल्कुल बीचो बीच बैठा हुआ मेड्यूला बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट कुछ पैरन के सेल्स होते हैं पैरन अब आप खुद सोच लो खाली पैरन है बैठा हुआ है क्या ही करेगा स्टोरेज कर लेगा पैरन सेल्स ठीक है बिल्कुल सेंटर में पिथ मेड्यूला ओके okay? अब ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से ये रेज निकल रही है देर आर सम स्मॉल स्मॉल रेज लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ मेड्यूला एंड दे विल बी नोन एज मेड्यूलरी रेज मेड्यूलरी रेज आर मेड अप ऑफ अगेन पैरनकाइमा और यह पैर जो है आपके पास किसमें हेल्प करेगा रेडियल कंडक्शन दिस इज गोइंग टू हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वॉटर साइड में क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम देखो फ्लोएम इधर होगा तो ये बाहर के टिश्यूज को कौन खाना पहुंचाएगा कौन पानी पहुंचाएगा रेस मेड्यूलरी रेज ऐसा लगेगा जैसे बीच वाले मेड्यूला के अंदर से रेस निकल रही है बाहर की नोन एज ये सारे लेयर्स आते हैं आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेक श्योर sure कि ये ऑर्डर अब आपको याद हो हाइपोडर्मिस मिडिल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकल एंड देन मेड्युलरी रेज इन टू मेड्यूला ठीक है क्लियर तो यहां तक नेक्स्ट क्लास कल तक पढ़ के आना कल वी uh, और आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैम इतना सारा सेल सेल वाला डायग्राम बना दू आपने क्या लाइन लाइन बना दिया वो गोले 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 बैठ के गोले बना रहे दस मिनट निकाल दिए उतनी देर में तुम्हारा एक पंद्रह पांच नंबर का क्वेश्चन और हो जाता पॉइंटलेस ठीक है तो अगर बाय चांस मन करे फिर भी जिंदगी में दिल नहीं मान रहा तुम्हारा और तुम बोलोगे नहीं मैम मेरे को तो सिर्फ सेल वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो इतना सा पोर्शन लो और इसमें सेल्स बना दो ठीक है इसमें बना लेना जितने सेल्स बनाने हैं तुमको वो तो गोले 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 डू नॉट सेट एंड स्टार्ट ड्रॉइंग सर्कल्स इन द होल डायग्राम इट इज टोटली पॉइंटलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम नो सेंसेबल पर्सन वुड आस्क यू टू डू दैट ठीक है लेकिन अगर फिर भी बोला है तो आई थिंक इंस्टेड पूरे में गोले 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 इधर बनाओ सेल्स प्रॉपर जस्ट इन अ सेक्शन ऑफ इट ठीक सो हियर वी विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे फॉर मोर एंड लाइव क्लासेज एंड लीडर लीड और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आप लोग मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो आइकॉनिक में भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे जैसे कि वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग सेशन एंड वन ऑन वन मेंटोरिंग मेंशन ठीक है आप अपना टाइम स्लॉट चुन के और अपना टाइम स्लॉट के साथ बात करने के लिए सारे डाउट्स की लिस्ट बना के अपने मेंटोर से बात कर सकते हो वीक में एक बार ही ठीक है यहाँ पे आ जाएगा कोमन लाइव कोड के ओ एम ए एल एल आई वी ई लाइव यू कैन यूज़ द कोड एंड गेट योर टेन परसेंट ऑफ ऐसे ही आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हैं जिसमें मैं कोमन लाइफ कोड लगाओगे टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा तो मैं भी हूँ मेरे साथ एक मेंटोर और है और नोट्स आपके घर पे हार्ड कॉपी डिलीवर हो जाएगी इफ़ यू गो फॉर मोर देन ट्वेल्व मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ठीक है ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट किसी बच्चे को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है प्लीज डू लेट मी नो अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कुछ अदरवाइज आई विल सी यू इन क्लास टूडे बिकॉज माइक्रोम शुरू कर रही हूं चैप्टर फॉर ट्वेल्थ क्लास और ट्वेंटी थर्ड से शुरू हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी इन डिटेल्स ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड फाइव पी एम एवरी डे ठीक है बैच का नाम मेधावी टू स्टार्टिंग फाइव पी एम प्लांट फिजियोलॉजी एवरी डे कंटिन्यूसली ठीक है प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट मिनरल अक्टूबर में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नवंबर में खत्म बिफोर एवरीथिंग एल्स स्टार्ट ठीक है बहुत सारे नए नए बातिस आते हुए और ये ट्वेंटी थर्ड को एक काउंसलिंग सेशन रखा है अन अकेडमी ने सारे उन बच्चों के लिए जो अभी भी इस कन्फ्यूजन में है कि क्या क्या करा जाए और क्या नहीं किया जाए हाउ टू मैनेज दैट टाइम एंड एवरी थिंग रेगुलर ऐसे सेशन होते रहते हैं सो यू कैन एंड रोल फॉर दिस अन अकेडमी एक्सेल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा सारी चीज़ों का जिनका भी मैंने नाम लिया जैसे नए बैच का भी लिंक होगा मेक श्योर दैट यू आर देयर एंड उसको प्लीज़ फॉलो करो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टुडे स्पेशल क्लास इज एट नाइन थर्टी पी एम जिसमें अगर आपको और कोई डाउट भी है ठीक है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नीट रिलेटेड चाहे वैसे लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स एज वेल थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो एट एलेवन थर्टी ए एम अगेन